हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ की क्रीमी मेटल लॉन्ग स्टे लिपस्टिक का रिव्यू। सबसे पहले आप देखिए इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं विद मुरमुरु बटर एंड वाइट एमिनी, जो कि हमारे लिप्स को लॉन्ग टाइम तक नरिश एंड मॉइस्चराइज करके रखेगा। मेड सेफ है, 8 घंटे तक लॉन्ग स्टे करने वाला है, ऐसा कंपनी का क्लेम करना है। इसके बैक साइड में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्राइस 399 रुपीज, बट ये मुझे 250 रुपीज में मिली है। वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है, फ्लेक प्रूफ है, साथ ही साथ डर्मोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव है, इंटेंस कलर पे ऑफ है। और अगर बात करूँ इसका जो शेड नंबर है वो है 06 एप्रिकॉट ट्यूब। और चलिए अंदर देख खोल खोल के देखते हैं इसके अंदर कैसे निकलता है। तो कुछ इस तरह की इसके अंदर से लिपस्टिक मुझे मिल जाती है, और जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छे वाली न्यूड शेड टाइप इसकी शेड दिख रही है। तो इसका अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसे अपने हाथ पे लगा लेती हूँ, जो कि बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है, बहुत ही स्मूथली, और फ्रेग्रेंस भी इसके अंदर से काफी माइल्ड आ रही है, बिल्कुल भी इरिटेट करने वाली नहीं है। तो इसको सेटल होने देते हैं, और सेटल होने के बाद मैंने इसका टेस्ट किया है वाटर टेस्ट, क्योंकि ऐसा कंपनी का क्लेम करना है, ये ट्रांसफर प्रूफ है, और देखते हैं वाटर प्रूफ भी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाली है जो कि स्प्रे बोतल में रखा हुआ था, और इसके बाद मैं अपना एक टिश्यू ले लेती हूँ जो कि ड्राई वाइप है, और उसके बाद टेस्ट करते हैं कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल माइनर सा ट्रांसफर हुआ है और वो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इसका जो शाइन है और इसका जो लुक है, कलर है, पिगमेंटेशन है, काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो चलिए मैं इसे अपने लिप्स पे भी ट्राई करके देखती हूँ किस तरह की शेड एंड किस तरह की पिगमेंट आती है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो मुरमुरु बटर होता है वो हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, वाइटामिन ही हमारी पिगमेंटेशन प्रिवेंट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और कंपनी का क्लेम करना है, 98% वुमेन का कहना है कि ये जो लिपस्टिक है 8 घंटे तक स्टे करने वाली है, बट मुझे इतना ज्यादा चांसेस नहीं लगते हैं, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कैसी है। तो ये थोड़ी थोड़ी ट्रांसफर हो चुकी है टिश्यू पर, जो कि मैंने आपके सामने इसका लाइव टेस्ट किया है। तो आप देख लीजिए ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं है। अगर रिकमेंड करने की बात करूं तो डेफिनेटली 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल ओके है, और जैसे कि इसके अंदर से फ्रेग्रेंस भी माइल्ड आ रही है और सूदिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करती है, तो मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है।